कलमेश्वर शहर के गोविंद सिंह दरबार गुरुद्वारे में गुरु नानक देव साहिब की 553वीं जयंती पर गुरु पर्व बड़े धूमधाम से मनाया गया। इस पर्व पर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष ओमकार सिंह बावरी ने पवित्र गुरु ग्रंथ को सिर पर रखकर गुरुद्वारे की परिक्रमा कर गुरुद्वारे में प्रवेश किया। पर्व की शुरुआत में निशान साहिब को चोला चढ़ाया गया, उसके बाद गुरु नानक देव जी के सुखमनी साहिब का पाठ किया गया। शब्द कीर्तन के बाद पूजा पाठ अरदास की गई। दोपहर 3 बजे लंगर का आयोजन किया गया। ओमकार सिंह बावरी के नेतृत्व में गुरुद्वारे कमेटी के सभी सदस्यों ने उपस्थित महानुभवों को महाप्रसाद वितरण किया। गुरुद्वारे में कलमेश्वर शहर के सेवी प्रदेश भाजपा सदस्य डॉक्टर राजीव पोद्दार, माजी नगर सेवक महादेव राव इखार, शहर भाजपा अध्यक्ष धनराज देव के समाज सेवी सरजू मंडपे, सुरेश डोंगरे, मनोज बगड़े के साथ अनेक नागरिकों ने गुरुद्वारे आकर सिख बंधुओं को गुरु नानक देव जी की जयंती पर बधाई दी। निरंकार बावरी, हुकुम सिंह बावरी, अनोक सिंह बावरी, तूफान सिंह भादा, जब्बू सिंह भादा, गोविंद सिंह बावरी, उजागर सिंह अंधेरले, राजू सिंह बावरी, कर्नल सिंह अंधेरले, सेवा सिंह बावरी, दिलदार सिंह भादा के साथ अनेक सिख बंधुओं ने गुरुद्वारे में माथा टेका। शाम 5 बजे गुरुद्वारे में महोत्सव की समाप्ति हुई। सभी उपस्थित प्रतिष्ठित सदस्यों का आभार कमेटी के सदस्यों ने माना।